एफएम और रेडियो मिर्ची की तरह लखनऊ के केजीएमयू यानी कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी ने अपना एक नया प्लेटफॉर्म तैयार किया है। इसका नाम है केजीएमयू गूंज रेडियो स्टेशन। केजीएमयू की इस पहल का सीएम योगी भी तारीफ कर चुके हैं। 15 मई को इस स्टेशन के 100 दिन पूरे होने जा रहे हैं। 100 दिन पूरे होने से पहले आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें डॉक्टरों ने चीफ गेस्ट डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को रेडियो स्टेशन की खूबियां बताई। इस मौके पर डिप्टी सीएम एवं यूपी के हेल्थ मिनिस्टर ने भी डॉक्टरों को अध्यापक की तरह पाठ पढ़ाते हुए जनसेवा को ही सर्वोपरि सेवा बताया। रेडियो स्टेशन गूंज 89.6 केजीएमयू के द्वारा संचालित होता है। बसंत पंचमी के दिन इसकी शुरुआत हुई थी और जब से इसका संचालन शुरू हुआ है इसके पॉजिटिव रिजल्ट सामने आ रहे हैं। 15 मई को इसके सफर के 100 दिन पूरे हो रहे हैं। इसी मौके पर केजीएमयू के ब्राउन हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक थे। जिस ढंग से अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन केजीएमयू गूंज का 100 दिन पूरे होने पर कार्यक्रम आयोजित किया है, मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इसके माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की जो जानकारी पूरे प्रदेश के लोगों को, देश के लोगों को ऐप के माध्यम से मिलेगी और लखनऊ के आसपास के लोगों को सीधे रेडियो सुनकर के मिल सकेगी। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इसके जो संचालन करता है प्रोफेसर जैन साहब, प्रोफेसर पुरी साहब, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ और अपने श्रोताओं से कहता हूँ कि सब लोग ये समझें कि केजीएमयू किस ढंग से उत्तर प्रदेश के लोगों की स्वास्थ्य की चिंता करते हुए तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। अस्पताल परिसर में मरीज आए तो उसे हम भगवान मान करके उसकी सेवा करें, उसे कोई कष्ट न हो और हर परिस्थिति में मरीज को लगना चाहिए कि उसकी सेवा के लिए अस्पताल परिसर में पूरा प्रशासन खड़ा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पता है कि मामला न्यायालय में गया है।